पारा टीचर का आकलन की परीक्षा और टेट परीक्षा चुनाव के बाद, आकलन की परीक्षा और टेट परीक्षा चुनाव के बाद। अभी तो आचार संहिता लगल है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते थे कि सर शिक्षकों की बहाली कब होगी कब होगी। ये जो प्रश्न है हमारे पास हमेशा आता है कि शिक्षकों की बहाली कब होगी। दोस्तों आज ही एक इंटरव्यू हमारे जगन्नाथ महतो जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होने वाली है। सबसे पहले मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ जिसपे वो कह रहे हैं कि वो कितने लोगों की बहाली कर रहे हैं, तो पहले आप वो वीडियो देख लो। हमने अभी प्राथमिक विद्यालय में 30,440, मध्य विद्यालय में 29,175 और फिर उसी विद्यालय में मध्य विद्यालय में 1,188, टोटल 60,803, 1,00,000 से पार करेंगे। टेट का परीक्षा कब लेंगे? चुनाव के बाद, आकलन पर पारा टीचर का आकलन की परीक्षा और टेट परीक्षा चुनाव के बाद। अभी तो आचार संहिता लगल है। तो वीडियो में आपने देखा कि ये जो हमारे जगन्नाथ महतो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इन्होंने टोटल पदों की संख्या भी बताई कि कितना कर रहे हैं। इन्होंने अप्रोक्स बताया कि 1,00,000 कर रहे हैं और जो पहले बताया था 26,000, उसके अलावा बहुत सारे जो पोस्ट हैं जो नए पोस्ट सृजित किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस पे टाइम लग रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे, काफी छात्र ये कमेंट कर रहे हैं कि सर टेट परीक्षा होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग डीएलएड बीएड करके अभी तैयार हैं। अभी तक जो लोग डीएलएड बीएड किए हैं वो लोग 1-5 में एलिजिबल होने के लिए टेट परीक्षा पास होना जरूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे जो जगन्नाथ महतो है हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि हम लोग टेट परीक्षा और आकलन परीक्षा लेंगे ये चुनाव के बाद, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग शिक्षक बहाली से पहले टेट परीक्षा लेंगे कि बाद में। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि टेट परीक्षा अगर नहीं हुआ तो हम लोगों को शिक्षक बहाली में नहीं बैठने मिलेगा। बिल्कुल एकदम सही बात है कि यदि टेट परीक्षा नहीं होती है तो आप लोगों को शिक्षक बहाली में बैठने को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, अगर झारखंड में शिक्षक बहाली से पहले अगर टेट परीक्षा नहीं होती है तो झारखंड सरकार को शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सेंट्रल लेवल से होती है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CBSE कंडक्ट करवाती है उसको मान्यता देना होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों पे मान्यता मिल चुकी है। तो इसको लेकर हम लोग आगे भी बढ़ चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट किया नहीं कि जो आकलन परीक्षा होगी वो तो पारा टीचरों के लिए है, लेकिन जो झारखंड में जेट परीक्षा होती है वो होगा कि नहीं, ये उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहा। ठीक है, अगर जेट परीक्षा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीटेट को एलिजिबल कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, लेकिन अगर जेट परीक्षा नहीं होती है झारखंड में तो सीटेट परीक्षा को इस बहाली के लिए एलिजिबल माना जाएगा, और नहीं माना जाएगा तो छात्र हाईकोर्ट जाके केस लड़के ले लेंगे, जो कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो जो झारखंड में जेटेट परीक्षा हुई है ये 2012 में एक बार हुई थी, उसके बाद 16 में हुई, उसके बाद से लेकर अभी 2022 चल रहा है, एक बार भी टेट परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में जो छात्र डीएलएड और बीएड किए हैं उनके साथ घोर अन्याय होगा, उनको शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में अगर सरकार चाहे तो सीटेट को एलिजिबल कर सकती है, जो भी सीटेट किए हैं अभी तक सीटेट पास है उनको मान्य कर सकती है, और ये बहुत सारे राज्यों में हुआ है। तो फ्रेंड्स, काफी लोग ये कहेंगे कि झारखंड में जो जेटेट परीक्षा होती है इस पे क्षेत्र लैंग्वेज है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि क्षेत्र लैंग्वेज जो है इस बार जो झारखंड में शिक्षक बहाली होगी उसमें क्षेत्र लैंग्वेज का भी एग्जाम होगा, बाकायदा उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो है क्षेत्र लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, झारखंड में सीटेट को भी मान्य करना होगा यदि झारखंड में जेटेट परीक्षा नहीं होती है। तो ऐसे में काफी छात्र आप लोग फिर से कमेंट करेंगे, मैं जानता हूं कि क्षेत्र लैंग्वेज सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें क्षेत्र लैंग्वेज झारखंड में बोली जाने वाली नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड में जितना भी एग्जाम्स, झारखंड में जो जेटेट परीक्षा होगी
उसमें उर्दू और बंगला है। अब जो छात्र उर्दू और जो छात्र बंगला लिया है, ये तो देखिए आप जे टेट में भी और सी टेट में काफी छात्र लोग जो होगा सी टेट में बंगला लेके किया होगा, काफी छात्र लोग उर्दू लेके किया होगा। तो क्या ये दोनों, ये जो जे टेट जो लोग सी टेट में उर्दू रखे हैं, जो लोग सी टेट बंगला रखे हैं सी टेट में, क्या उनको मौका दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात होगी फ्रेंड्स। काफी छात्र जो कहते हैं बार बार कि ये क्षेत्र लैंग्वेज नहीं है सी टेट में, कैसे नहीं है क्षेत्र लैंग्वेज, झारखंड का जे टेट परीक्षा जो है इसमें उर्दू है, ठीक है, उर्दू भी है और बांग्ला भी है, तो उर्दू और बांग्ला का तो क्षेत्र लैंग्वेज का परीक्षा सीटेट में होता है, तो क्या सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं झारखंड में सीटेट मान्य होगा, और मान्य तभी होगा जब आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे, और हाईकोर्ट ऑलरेडी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन बस एग्जाम बहाली बस आने दीजिए, उसके बाद आपको सारा रंग रूप दिख जाएगा और आपको सारा चीज पता चल जाएगा। तो इसलिए आप इस टेंशन में नहीं रहें कि क्षेत्रीय लैंग्वेज सीटेट में नहीं है, क्योंकि जो इस बार बहाली होगी उसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी बात अब क्या होता है आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि जे टेट होता है कि नहीं और सी टेट को मान्य किया जाता है कि नहीं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि झारखंड में सी टेट को मान्यता दिलाना है तो दिलाना है। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।